वेलकम टू द फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं नए वीडियो लेकर, तो चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो। तो आज हमारे टाउन हॉल 9 पे है, तो यहाँ पर कुछ अटैक करेंगे हम। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कर लेते हैं ट्रूप्स की। तो हमारी क्वीन को हमें अपडेट पे लगाना है लेवल 21 के लिए। तो हमारे पास इतना डार्क एलिक्सिर नहीं है, थोड़ा और डार्क एलिक्सिर चाहिए हमें। तो अटैक करेंगे, हमारी आर्मी रेडी है। पर उससे पहले हम देख लेते हैं हमारी लास्ट क्लैन वॉर लीग का रिजल्ट। तो हम जीत चुके थे, 202 स्टार से हम जीत गए इसको और प्रमोट भी हो गए हम। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, नेक्स्ट वॉर में हमें अच्छे मेडल्स मिलेंगे। तो चलते हैं हम अटैक पे चलते हैं हमारे, क्योंकि हमारी आर्मी रेडी हो गई है। तो एक अटैक पे चलते हैं हम, क्योंकि हमें ज़रूरत है यहाँ पर डार्क एलिक्सिर की। तो जैसे ही हमें एक अच्छा सा बेस मिलता है आते हैं हम वापस। तो ये बेस मिला है हमें, अच्छी लूट है यहाँ पर। तो कोशिश करेंगे कि लूट सारी निकल सके, थ्री स्टार निकले ना निकले, पर लूट सारी निकालने की कोशिश करेंगे हम यहाँ से। तो ऊपर की साइड में हम हमारी क्वीन को ड्रॉप करेंगे। कुछ वॉल ब्रेकर्स भी लाए हैं हम, तो वॉल ब्रेक करके उसको अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। पर सीसी चेक कर लेते हैं पहले हम। तो सीसी में कुछ नहीं है, तो हमारी क्वीन को ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। थोड़ी सी क्वीन मुझे लगता है गलत ड्रॉप हो गई, क्योंकि डार्क एलिक्सिर स्टोरेज के पास में ड्रॉप करना था, वहाँ से डार्क एलिक्सिर निकल जाता, क्योंकि हमारा डार्क एलिक्सिर सेफ हो जाता। कोई बात नहीं, नीचे की साइड में हमने एक बेबी ड्रैगन ड्रॉप किया। नीचे की साइड से हमारे सारे पीका को हम अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। वॉल ब्रेकर्स को ड्रॉप करते हैं। तो चलिए, दो वॉल ब्रेकर तो कुछ काम नहीं आए, और ये दो वॉल ब्रेकर भी अलग अलग चले गए। वॉल ब्रेकर हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे काम आएंगे वॉल ब्रेकर। यहाँ से सारी वॉल को ब्रेक किया अर्थ क्विक स्पेल से, और सारे पीका ड्रॉप कर दिए यहाँ पर। कुछ विजार्ड का बैकअप देंगे, एक बेबी ड्रैगन ड्रॉप किया डार्क एलिक्सिर निकालने के लिए हमने, और कुछ विजार्ड ड्रॉप किए यहाँ पर। क्वीन अच्छी चल रही है अभी, मल्टीपल इन्फिनो ने क्वीन को टारगेट कर रही है और हीलर को भी टारगेट कर रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। यहाँ पर एक बेबी ड्रैगन ड्रॉप करेंगे, जिससे डार्क एलिक्सिर निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। डार्क एलिक्सिर की ज़रूरत है हमें। यहाँ पर क्वीन और हीलर को मल्टीपल इन्फिनो ने पकड़ लिया है। तो यहाँ पर एक रेज स्पेल यूज़ किया हमने, वॉल ब्रेक कर रही है हमारी क्वीन, तो ये अच्छा है, जिससे इन्फिनो को टारगेट करेगी हमारी क्वीन और हीलर को हीलर बच सकते हैं हमारे उससे। तो ये इन्फिनो डाउन हो जाएगा और हमारे इन्फिनो हीलर भी बच गए हैं इससे। एक रेज स्पेल बाकी है, इसको भी लगता है ड्रॉप करना पड़ेगा यहाँ पर। और वन स्टार निकल गया है, तो एक रेज स्पेल यूज किया यहाँ पर, इनकी हमारी एबिलिटी भी यूज हो गई। तो कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है हमारे पास। डार्क न्यास से हम इतना निकाल नहीं पाए, क्योंकि हमें जितना निकालना था उतना डार्क निकाल लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि थ्री स्टार तो मुश्किल था इस बेस पे। पर लूट निकालने के लिए हमने अटैक किया था, तो फेल हो गए हम उसमें। चलिए, 55% वन स्टार। तो सीधा हम चलते हैं नेक्स्ट अटैक पे। तो ये बेस मिला है, अच्छी लूट है यहाँ पर भी, तो लूट निकालने की कोशिश ही रहेगी हमारी सबसे पहले, बाद में सोचेंगे कि थ्री स्टार निकालना है या नहीं। तो नीचे की साइड में हम हमारी क्वीन को ड्रॉप करेंगे, पर उससे पहले सीसी चेक कर लेंगे। यहाँ से सीसी चेक कर लेते हैं हम पहले हमारे हुक को ड्रॉप करके। तो सीसी में कुछ नहीं है, तो हमारी क्वीन को ड्रॉप करते हैं यहाँ पर विथ हीलर, और ऊपर की साइड में वॉल ब्रेक करेंगे हम अर्थ क्विक स्पेल से। यहाँ पर वॉल ब्रेक कर लिया हमने, थोड़ा सा गलत यूज़ हुआ स्पेल का। बेबी ड्रैगन ड्रॉप किया हमने दोनों साइड में फनल क्रिएट करने के लिए, जिससे हमारे पीका अंदर जाएंगे। यहाँ पर वॉल ब्रेकर को हमें सही से यूज़ करना होगा, क्योंकि पिछली बार पता ही होगा आपको हमने गलत यूज़ किया, तो वॉल ब्रेक गलत हो गई थी, वॉल ब्रेक हुई नहीं थी। यहाँ पर एक वॉल ब्रेकर और यूज़ करेंगे। चलिए, वॉल ब्रेक हो गई, ये अच्छी बात है हमारे लिए।
आर की साइड में वीजा ड्रॉप किया जिससे हमारी क्वीन बाहर ना आए। ऊपर की साइड में हम हमारे पीका को ड्रॉप करते हैं सारे, और पीछे से एक विजार्ड ड्रॉप करते हैं, एक विजार्ड बाकी रखेंगे। और बेबी ड्रैगन भी हमारे पास एक, तो इसको हम ऊपर की साइड में ड्रॉप करेंगे, राइट साइड में। पार्क की साइड में एक विजार्ड ड्रॉप करना पड़ेगा। क्वीन अच्छी वैल्यू निकाल रही है यहाँ से, ग्रेज इस पे यूज करना पड़ेगा हमारी क्वीन पे। चलिए अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डिफेंस डाउन हो गए, तो हमारी क्वीन को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। हमारी क्वीन की हेल्थ फिर से रिकवर हो गई है। और वहाँ पर पिक्का क्या कर रहा है हमारा, कभी बाहर आ रहा है कभी अंदर जा रहा है। यहाँ पर टाइम बहुत कम बचा है, तो मुझे नहीं लगता 3 स्टार कर पाएंगे यहाँ से। लूट निकालने की कोशिश थी हमारी, और इम्पोर्टेंट डार्क था, तो डार्क तो हमने निकाल लिया है। देख रहे हैं जिस पे यूज करते हैं हमारी क्वीन पे, एक पिका पे यूज करेंगे। जिस टाइम पे हमारा पिका डाउनलोड के बाद जाएगा, तो वहां पर हम रेज स्पेल डाल देंगे हमारा। हमारा रेज स्पेल यूज कर लेते हैं पिका पे, इजीली उससे फटाफट डाउन हो जाएगा डाउनलोड। यूज नहीं करते तो भी हो ही जाता, पर बचा के कहाँ ले जाएंगे हम, क्योंकि हमारी नेक्स्ट आर्मी में प्रॉब्लम होगी। एक फ्रीज स्पेल बाकी है, तो इसको भी ड्रॉप कर देंगे हम। यहाँ पर हमारे पिका वॉल ब्रेक करके इसको टारगेट करेगा, तब यहाँ पर फ्रीज स्पेल यूज कर लिया हमने, और हमारी क्वीन की एबिलिटी भी यूज कर लेंगे लास्ट मोमेंट पे, कि पिका ही काम नहीं आ रही हमारी एबिलिटी। तो ये एबिलिटी यूज, तो 83% 2 स्टार निकला है यहाँ से। तो चलते हैं हमारे बेस पे, तो हमारी नेक्स्ट आर्मी रेडी है, तो हम वॉर में अटैक करेंगे अभी। यहाँ पर नंबर 12 पे अटैक करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ से 3 स्टार निकालने की, क्योंकि इजी बेस है। और सीसी में भी हमारे पास इलेक्ट्रो ड्रैगन है, तो कोशिश करेंगे निकालने की 3 स्टार। यहाँ पर एक एयर डिफेंस मुझे लगता है मिसिंग है, क्योंकि 4 एयर डिफेंस होने थे, पर 3 एयर डिफेंस ही है यहाँ पर, तो हमारी क्वीन के लिए अच्छा है ये। तो इस साइड में हमारे एक बेबी ड्रैगन को ड्रॉप कर देंगे नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में हमारी क्वीन को ड्रॉप करेंगे। चलिए चलते हैं अटैक पे, करते हैं हमारा अटैक स्टार्ट। तो ऊपर की साइड में क्वीन ड्रॉप करेंगे, पर उससे पहले सीसी को निकाल देते हैं हम बाहर। ऊपर की साइड में हमने क्वीन ड्रॉप की विथ हीलर, तो इजीली डाउन कर लेगी यहाँ पर ड्रैगन को। और बैकअप दे देते हैं हम क्वीन को विजार्ड का, और फ्रीज करना पड़ेगा मुझे लगता है कि हमारी क्वीन की एबिलिटी यूज हो जाएगी, तो वो अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए। नीचे एक बेबी ड्रैगन ड्रॉप किया था, इसने तो वैल्यू निकाल लिया, फनल क्रिएट कर दिया है। और ऊपर की साइड में विजार्ड ड्रॉप किया जिससे क्वीन ऊपर ना जाए। यहाँ पर वॉल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, एक वॉल ब्रेकर और यूज करना पड़ेगा हमें। तो थोड़ा सा लेट हो गए हम, हमारी क्वीन ऊपर की साइड में चली गई है, थोड़ा जल्दी यूज करना था, पर ट्राई करते हैं ऊपर विजार्ड ड्रॉप किया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ कि हमारी क्वीन ऊपर चली गई उससे। तो यहाँ पर वेव ड्रैगन ड्रॉप किए, वॉल ब्रेक करेंगे अर्थ की स्पेल से। यहाँ से हमारे पीका अंदर चले जाएंगे, टाउन हॉल इजीली डाउन हो ही जाएगा, 2 स्टार तो निकल जाएंगे, 3 स्टार अब मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि क्वीन हमारी अंदर नहीं गई है वहाँ से, तो ये अच्छा नहीं हुआ हमारे लिए। यहाँ पर हमने सारे पीका ड्रॉप कर दिए, सीसी हमने बाकी रखी क्योंकि एयर डिफेंस डाउन नहीं हुआ है अभी, वो भी ड्रॉप कर देंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पर हमारी सीसी को ड्रॉप करते हैं हम बिल्डर हेड पे, एक रेज स्पेल यूज करना पड़ेगा पीका पे टाउन हॉल के यहाँ पर, जिससे टाउन हॉल निकल जाएगा।
एक रेज स्पेल यूज किया यहाँ पर टाउन हॉल के यहाँ पर, तो क्वीन वॉल ब्रेक कर दी, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। क्वीन की एबिलिटी यूज कर ली हमने, तो मुझे नहीं लगता 3 स्टार लेकर सकता है क्योंकि बिल्डर हट बाकी है साइड में, जहाँ तक हमारे ट्रूप जाने में टाइम लगेगा और हमारे पीका डाउन हो जाएगा। तो हमारी क्वीन पे हमने रेज स्पेल यूज़ किया है, तो अब मुश्किल लग रहा है मुझे 3 स्टार निकलना। यहाँ पर क्वीन भी ट्रेप्स को डाउन डाउन करने में लग गई थी, अब मुझे नहीं लग रहा 3 स्टार होगा, टाइम फेल होगा ये। टाइम फेल नहीं होता तो इजी 3 स्टार निकाल लेते यहाँ से, कोई बात नहीं। पर 2 स्टार निकाल लिया, 90% 2 स्टार। चलते हैं हमारे बेस पे और हमारी क्वीन को भी लगाते हैं अपग्रेड पे, और कुछ वॉल्स भी अपग्रेड करते हैं हम। 2 स्टार निकला यहाँ से, तो सीसी में जो लूट है उसको कलेक्ट करते हैं हम सबसे पहले, तो सीसी की लूट कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और हमारी वॉल्स को अपग्रेड करते हैं क्योंकि गोल्ड से करेंगे। गोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है हमारे पास और गोल्ड का कहीं यूज़ नहीं है, अब गोल्ड को यूज़ कर लेते हैं सारा। ये 4th वॉल जाएगी, अब 2 रोज कर देंगे हम अपग्रेड। चार वॉल और हो जाएगी अपग्रेड, लास्ट वॉल होगी ये, तो एक वॉल और कर लेते हैं यहाँ से। हमारी क्वीन को अपग्रेड पे डाल देते हैं हम लेवल 21 के लिए। चलिए आज वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्योंकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए।